अभी आप स्टेयरिंग को नोट करना, बस स्टेयरिंग देखना अपने आप, ये देख लीजिए अपने आप चल रहा है स्टेयरिंग, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ ब्रेक पे पाँव है। रोल्स रॉयस में आपने एक फीचर देखा होगा कि आपको डोर में ना अम्ब्रेलाज मिलती हैं, ठीक उसी तरीके से अपने को स्कोडा की गाड़ी में, ये देख लीजिए ब्रांडिंग के साथ। आप एक फीचर वाली गाड़ी ढूंढ रहे हैं ना कि आपको यार फीचर से मतलब है, आपको नहीं मतलब है टॉरस है, बी एम ऑडी और जैगवार वाले, मेरे को फीचर वाली गाड़ी बताओ, तो ये वही गाड़ी है। काफ़ी स्मूथ है इसकी ड्राइव, काफ़ी अच्छी चल रही है, मज़ा आ रहा है चलाने में। ये हमने टच किया 80 और ये अब हम ब्रेक ले रहे हैं इसके। वन ऑफ द बेस्ट ऑटो पार्क है वॉल्वो के अंदर, उसके बाद जो है वो है एल एन के अंदर। बाकी कुछ गाड़ियों में तो मैं कंफ्यूज ही होता हूँ ऑटो पार्क करने के चक्कर में। भाई आज का दिन बड़ा ही खास है, गाड़ी की की मेरे पास है, सनी डे अपने साथ है और धूप बहुत ही ज़्यादा ही है भाई। भाई ऐसी धूप में, चिलचिलाती धूप में बड़ा मुश्किल हो जाएगा शूट करना, कुछ चाहिए अपने को। तो गाड़ी जो आज हम आपके लिए लेके आए हैं वो गाड़ी है ऑडी BMW, से कम मत समझना इसे, लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं स्कोडा को। स्कोडा की LNK जो आज हम आपके लिए लेके आए हैं फ्रॉम TCM डेली स्टॉक। इतनी माइंड ब्लोइंग है ये कार, इतने ज़्यादा फीचर से लोडेड है कि आप देखोगे तो दंग रह जाओगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे इसी गाड़ी की। ये नई गाड़ी तकरीबन 38 लाख रुपीज़ की आती है ऑन रोड दिल्ली के अंदर, और आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2017 मॉडल, ब्रांड न्यू कंडीशन, सिर्फ 5000 किलोमीटर चली हुई, फॉर सेल। तो इस वीडियो को पूरी देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अब स्टार्ट करूँगा इस वीडियो को और दिखाऊँगा आपको इसके माइंड ब्लोइंग फीचर्स। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और आपको ना मैं बताता हूँ इस गाड़ी की खास बातें। आपने ऑडी देखी होगी, BMW देखी होगी, रेंज रोवर देखी होगी, जैगवार देखी होगी, उसमें भी वो फीचर ना हो, ऐसी है ये कार, क्योंकि रोल्स रॉय को टक्कर देती है ये कार मेरे यार। पता है कैसे? रोल्स रॉय में आपने एक फ़ीचर देखा होगा कि आपको डोर में ना अम्ब्रेलाज मिलती हैं, ठीक उसी तरीके से अपने को स्कोडा की गाड़ी में, ये देख लीजिए ब्रांडिंग के साथ। ऐसा नहीं कि कोई बाहर से खरीद के डाल दिए हो छतरी इसके अंदर, तो ये अम्ब्रेलास आपको दोनों साइड मिलती हैं। और इस अम्ब्रेलास का फ़ायदा क्या होता है, इस अम्ब्रेला का, कि आप बहुत ही, अगर मान लो ऐसे एरिया में हूँ जहाँ पे धूप ज़्यादा है, आपके साथ बच्चे हैं, आप बारिश में हैं, तो ऐसे खड़े हो जाएं मेरे दोस्त और छाते का आनंद लें, और इस साइड आ जाओ ज़रा, इस साइड आपको लगेगा कि ये तो एक ही छाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप दूसरी जगह भी आपको सेम अम्ब्रेला मिलती है इसके अंदर। ये देखिए, देख रहे हैं ब्रांड न्यू है ये कार। ये देखो, दो दो अम्ब्रेला आपको स्कोडा सुपर्ब के अंदर मिलती हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज है और बहुत ही यूनिकनेस है एज़ कम्पेयर टू अदर सेडान्स कार। भाई पैसे तो सारी कंपनी लेती हैं आपसे कि भैया इतने पैसे दे दो और ये गाड़ी ले लो, लेकिन फ़ीचर हर कोई कंपनी नहीं दे पाती, और फीचर के लिए बनी है स्कोडा, और स्कोडा की ये है LNK जो मॉडल है, वो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। 2 लीटर का डीजल इंजन है इसके अंदर, इस गाड़ी का नाम है स्कोडा सुपर्ब LNK, टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, इससे ऊपर मॉडल नहीं आता स्कोडा सुपर्ब में। और एक ख़ास बात, इस गाड़ी की माइलेज, जो स्कोडा लवर्स हैं जिन्होंने स्कोडा ऑन करी है अपनी लाइफ में, वो जानते होंगे कि स्कोडा की डीजल गाड़ी कितनी माइलेज देती होगी ऑन एवरेज 15 तो इसकी पकड़ के चलो माइलेज, और मैक्सिमम हाईवे पे 20 भी टच कर जाएगी, और कईयों ने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया इस गाड़ी को लेके, कईयों ने तो 25 टच कर दिया। बाकी सबका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था इस गाड़ी को लेने के बाद, क्योंकि इस गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इसकी की है मेरे पास इस टाइम, और जो की है ना वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब
अच्छी लगती है मुझे, सिंपल सी है और काफ़ी प्रीमियम भी है, ऐसा भी नहीं है काफ़ी चीप लग रही हो ना, चीप नहीं है, बहुत अच्छी है। बूट ओपन करता हूँ मैं एक बार। ये मैंने बूट ओपन किया, इलेक्ट्रॉनिकली टेलगेट है, आप समझें इसको। अब इसमें क्या है, इसमें आपको बहुत वाइड मिलता है, देख रहे हैं आप बूट कितना ज़्यादा वाइड है। उसका रीज़न ये है कि इसकी जो बूट है वो आप देखेंगे तो पूरा ग्लास ही इसका साथ में ओपन होता है। तो अब एक चीज़, अगर इसको बंद करना है हमने तो हम लोग इसको यहाँ से तो कर सकते हैं, लेकिन इतनी मतलब फीचर से लोडेड है ये कार तो कंजूसी स्कॉडा ने बिल्कुल नहीं करी। इसके अंदर आप की से ही बटन को दबा के रखें और ये देख लीजिए कैसे बंद होगी। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट तक इसके अंदर आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके अलॉय व्हील्स के, इसके जो साइज़ की बात करते हैं, लंबाई की बात करते हैं, किसी भी प्रीमियम गाड़ी से कम नहीं है ये कार। दोस्तों आप इसकी लुक को देख के ना इतना मतलब सोचिए कि मतलब यार ऑर्डिनरी सी लगने वाली कार है, अंदर बैठोगे ना ऐसे ऐसे फीचर हैं कि मज़ा आ जाएगा। अलॉय व्हील्स इसके अंदर स्टॉक लगे हुए हैं जो कि 17 इंच के हैं। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, ठीक है, और बिकती है ये गाड़ी मार्केट में बहुत ही मतलब अच्छे प्राइस पे इस गाड़ी को बेचा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई रहती है, क्योंकि स्कोडा को ढूंढने वाले बहुत हैं मार्केट में। हेडलैम्प्स की बात करें तो इसके अंदर अपने को DRLs दिखते हैं, जहाँ पे आप इस टाइम देख रहे हो इंडिकेटर ऑन है, पार्किंग लाइट, वहीं पे इसके DRLs ऑन होते हैं। स्कोडा की सिग्नेचर ग्रिल आपको इसके अंदर दिख जाती है। देन अगर आप नीचे देखेंगे तो इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ साथ नीचे आपको फॉग लैम्प मिल जाते हैं जो कि आप देख ही सकते हैं। और कलर है इसका ब्लैक, ब्लैक विद बेज इंटीरियर। अब इस बेज इंटीरियर की क्या खास चीज़ें हैं वो हम चलते हैं अंदर और देखते हैं। अब ये एक LNK मॉडल है तो इसके अंदर आपको ना LNK की बहुत जगह ब्रांडिंग दिखेगी। रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए स्टेच है यहाँ पे LNK। अब मैंने आपको बताया ना कंपनी ने बहुत छोटी छोटी चीज़ों का इसके अंदर ख्याल रखा है। आप एक फीचर वाली गाड़ी ढूंढ रहे हैं ना कि आपको यार फीचर से मतलब है, आपको नहीं मतलब है टॉरस है, BM, ऑडी और जैगवार वाले, मेरे को फीचर वाली गाड़ी बताओ, तो ये वही गाड़ी है। अब इसका मैं एक बार आर्मरेस्ट आपको दिखाता हूँ। आपने बड़ी गाड़ियों में देखे होंगे आर्मरेस्ट इतने इतने से होते हैं, छोटे छोटे, बहुत महंगी महंगी गाड़ियों में, मतलब टाइनी टाइनी। इसका देखो कितना यूज है इसका आर्मरेस्ट और कितना बढ़िया, कितनी प्रीमियम क्वालिटी का है। अब ये रहे इसके कप होल्डर जो कि आप देख, अच्छा ये काफ़ी यूनिक भी है दोस्तों, ये है ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं ना बिल्कुल वैसे वाला फील दे रहा है इसका आर्मरेस्ट। और सीट की जो पोजीशन है या सीट की जो सीट का जो कंफर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब कर्टन आपने देखा होगा, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में ही कंपनी जो है वो कर्टन देती है, सन ब्लाइंड देती है, बट LNK में आपको ये भी स्टैंडर्ड फीचर या स्टैंडर्ड एडवांटेज मिल जाती है। पीछे की बात करें तो इसके अंदर 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है, 2 जोन आगे के और 1 जोन पीछे का, और यहाँ पे 2 AC ब्लोअर दिए गए हैं जो कि काफ़ी हद तक, जैसे अभी टेम्परेचर गर्मियों वाला ही चल रहा है तो काफ़ी हद तक अच्छी कूलिंग कर देते हैं, क्योंकि अभी हम इसे चला के बैठे थे तो मैं पीछे बैठा था तो अच्छी कूलिंग हुई थी। अब क्या है कि आपको प्रीमियम बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में ऐसे वैसे फीचर मिलते हैं कि सीट को आगे करने के लिए, आप ये देख लीजिए यहाँ पर आपको बटन्स भी दिए गए हैं, आप यहीं से इस सीट को एडजस्ट कर सकते हैं और अपना जो लेग रूम है उसको बढ़ा सकते हैं। अब आप देखिए कितना ज़्यादा लेग रूम हो जाएगा यहाँ पे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये सीट पूरी होगी आगे। अब ये देखिए, अगर मान लीजिए मेरा ड्राइवर है, मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और मैं पीछे बैठा हूँ, तो ये देख लीजिए कितना ज़्यादा लेग रूम है मेरे पास, मतलब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत कम्फर्टेबली मैं इस गाड़ी में बैठा हुआ हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब एक काम करते हैं, अब आपको आगे बैठ के और फीचर दिखाते हैं, क्योंकि फीचर से गाड़ी भरमार है इस टाइम। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की, कोई ऐस सच कोई दिक्कत नहीं होती, अगर जैसे इस टाइम थोड़ी सी ऑफ रोड टाइप रोड पे मैं लेके चल रहा हूँ। अब इस गाड़ी में लगा हुआ है आपको DSG गियर बॉक्स होता है इसके अंदर, अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर DSG आपको लिखा हुआ भी दिखता है। इस गाड़ी की जो खास चीज़ें हैं वो तो है भाई इसकी माइलेज देना। अब थोड़ी सी भगा के भी आपको दिखा देता हूँ, थोड़ी सा स्ट्रेच करता हूँ। ये गाड़ी चली हुई सिर्फ 5,900 किलोमीटर विद सर्विस रिकॉर्ड, तो ये हमने अभी टच किया 60, ठीक है, काफ़ी स्मूथ है इसकी ड्राइव, काफ़ी अच्छी चल रही है, मज़ा आ रहा है चलाने में। ये हमने टच किया 80 और ये अब हम ब्रेक ले रहे हैं इसकी कट पर आगे। अब इसको क्या है, इसको आप चाहो तो मैनुअल में भी चला सकते हो, इसके अंदर आपको पैडल शिफ्ट दिखते हैं, अभी मैं मैनुअल में भी चला रहा हूँ। जैसे M3 आपको दिख रहा होगा, अगर आप देखना चाहेंगे ना तो वहाँ पे M3 दिखेगा,
M2 दिख गया आपको, मैं दूसरे पे आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा पका के पैडल शिफ्ट, ये देखिए M2 और ये M3, ठीक है, M4 और ये गाड़ी को कंट्रोल किया रेड लाइट पे, कंट्रोलिंग भी बहुत अच्छी है। अब इसे डी में आ गया, अब D1 आ गया, मतलब ऑटोमेटिक ड्राइव। अब इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे आपको फीचर दिखते हैं भाई, बहुत ही मतलब फीचर से ये गाड़ी लोडेड है। इसके अंदर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC आता है, और इसके अंदर जो पुश स्टार्ट बटन है वो यहाँ पे आता है साइड में। स्टेयरिंग इसका मैनुअली एडजस्ट होता है, आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। सनरूफ है इस गाड़ी के अंदर, जो कि मैं अभी आपको खोल के भी दिखा देता हूँ, ये आप देख लीजिए। सनरूफ के भी अपने ही मज़े हैं भाई। इसके अंदर मोड्स अपने को मिल जाते हैं, देख सकते हैं आप, इको है, इंडिविजुअल है, स्पोर्ट है। अब जैसे स्पोर्ट पे कर दिया, थोड़ा RPM हाई हो गया, RPM, तो अभी मैं चला रहा हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि हाँ भाई स्पोर्ट पे है गाड़ी, तो इसे नॉर्मली मोड पे कर देते हैं। अब ये जो स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ ऑल टच दोस्तों। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर दिखते हैं, नेविगेशन इसके अंदर आपको दिखता है। फिर साथ ही साथ एक चीज़ बहुत अच्छी है, जो बहुत ही मतलब महंगी महंगी गाड़ियों में भी नहीं आती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वीडियो में कि भैया इसके अंदर वो फीचर है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में ना आए। वेंटिलेटेड सीट एक बहुत बढ़िया फीचर होता है। अब इस टाइम देख लीजिए आप, अब दोनों सीटों में वेंटिलेशन, मतलब हीट एंड कूल। इस टाइम गर्मी है तो मैंने सीट को कूल कर रखा है, तो जो वेंटिलेशन है सीट ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाती है। अब ये दोनों सीट में मिलता है आपने को ऑप्शन, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सीट में मिलता है, कंजूसी यहाँ पे ये नहीं करी गई, आपको दोनों सीट मिलता है, हीट एंड कूल दोनों का ऑप्शन अपने को यहाँ पे मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे AC के कंट्रोल अपने को मिल जाते हैं, आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं टेम्परेचर। और उसी के साथ साथ इसका जो स्टेयरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, काफ़ी ज़्यादा हैंडी है, चलाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत स्मूथ लगती है इसकी ड्राइव। अब इसके अंदर जो ऑडियो सिस्टम है वो आता है कैंटन का, जो कि काफ़ी अच्छा ऑडियो सिस्टम होता है। और उसी के साथ साथ इसके अंदर एक फीचर और है, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्पेस दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पे भी है, दो कप होल्डर रखने के लिए यहाँ पे जगह है, ऑटो होल्ड का ऑप्शन है यहाँ पे, देन इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, और जो विंडो के कंट्रोल है वो यहाँ पे है, और ORVMs जो हैं इसके इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट होते हैं, तो यहीं पे आपको कंट्रोल भी मिल जाते हैं। तो एक चीज़ है इसके अंदर जो फीचर की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो एक फ़ीचर जो मुझे शुरू से बहुत पसंद है वो है ऑटो पार्क का। वो फीचर मैं आपको दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ कि अपने आप गाड़ी कैसे पार्क हो जाती है, और फिर डिस्क्लोज करूँगा इसका प्राइस, कि क्या प्राइस है इसका। तो ऑटो पार्क का इसके अंदर फीचर है बहुत ही माइंड ब्लोइंग, वन ऑफ द बेस्ट फीचर आता है ऑटो पार्क का वॉल्वो के अंदर, फिर आता है इसके अंदर जो मेरे अकॉर्डिंगली है। मैंने अपनी थार को वहाँ पे पार्क करवा रखा है, वो आप देख ही सकते हैं, चेक कराने के लिए आपको कि कैसे ऑटो पार्क वर्क करता है। इसके अंदर आपको यहाँ पे बटन दिखता है, इस पे P के साथ स्टेयरिंग है, तो उस P के बटन को मैं दबाऊँगा तो यहाँ पे एक फिगर बन जाएगी गाड़ी की। इसे मैं D में करूँगा, D फॉर ड्राइव, और इस तरफ इंडिकेटर दे दूँगा और गाड़ी को धीरे धीरे मूव करूँगा। थार मेरे लेफ्ट में ही है। अभी यहाँ पे अपने को ऑप्शन मिल गया है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपको किस तरीके से गाड़ी को लगाना है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इसे रिवर्स में करता हूँ और देखता हूँ कि किस तरीके से गाड़ी जो है वो लगती है। अभी आप स्टेयरिंग को नोट करना, बस स्टेयरिंग देखना अपने आप, ये देख लीजिए अपने आप चल रहा है स्टेयरिंग, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ ब्रेक पे पाँव है, ठीक है। पीछे होंडा सिटी भी खड़ी हुई है, अगर आप देखेंगे ना तो होंडा सिटी भी पीछे खड़ी हुई है, ये देखिए, उससे बचाते बचाते भी लगा देगी, देखना है। ये देख लीजिए पूरी अभी थोड़ी सी बची हुई है, ये मेरे ख्याल अभी थोड़ी और बची है, ये बस, तो ये होगी। अब इसे कहेगी डी में, अब डी में करूँगा, ये देख लीजिए स्टेयरिंग देखिए, खुद देखिए अब कहाँ लगेगी, ये देखो, ठीक है। अभी थोड़ी सी और आगे जा सकती है, थोड़ी सी और, सेंसर पूरे वर्क कर रहे हैं, ये देख लीजिए, ये ठीक है, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने गाड़ी को कर दिया पार्क। अब इस टाइम मैंने जानबूझ के इस तरीके से पार्क किया ताकि आपको पता लगे कि गाड़ी कितनी एक्यूरेसी से पार्क होती है। थार उधर है, पीछे मेरे होंडा सिटी है, बट स्टिल जो इतना स्पेस था वो विदाउट एनी टेंशन गाड़ी ने ऑटोमेटिकली पार्क कर दिया। भाई ये है इस गाड़ी के माइंड ब्लोइंग फीचर, जो कि आप देख ही सकते हैं। अभी मैं थोड़ी सी इसको निकालता हूँ यहाँ से और आपको बताता हूँ इसके पैसे। टोटल सुनना इसका, है कि नहीं माइंड ब्लोइंग कार।
अब इस गाड़ी की मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। ये गाड़ी है स्कोडा सुपर्ब, LNK टॉप ऑफ द लाइन कार है। गाड़ी सिंगल ओनर है, HR रजिस्ट्रेशन के साथ है। गाड़ी मतलब सिर्फ 5,900 किलोमीटर चली हुई है, जो मैंने आपको मीटर पे भी दिखा दिया। नई गाड़ी की कीमत 30 लाख प्लस है। TCM दिल्ली पे अवेलेबल है। 2017 मैन्युफैक्चर्ड, 2017 रजिस्टर्ड कार जो कि चली है। सिर्फ 5,000 का आस्किंग प्राइस है, सिर्फ और सिर्फ कितना, 25 लाख रुपए। जी हाँ, 25 लाख रुपीज़। और 30 लाख प्लस वाला मॉडल है ये, यानी 35 लाख तो बहुत इजीली खर्च के आओगे। जब भी आप शोरूम जाओगे तो तकरीबन आपके 10 से 11 लाख रुपए सेव हो जाएंगे इस गाड़ी के अंदर। तो अगर आपको इस गाड़ी की डील क्रैक करनी है तो आपकी स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप लोग श्योरली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं TCM दिल्ली पे और अपनी डील को क्रैक कर सकते हैं। तो इसी नोट के साथ मैं लेता हूँ अलविदा, आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।